इस लेसन में हम चैप्टर नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज है और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड बाय डेफिनेशन। देखिए इसीलिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये मैंने रेड लिखा है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमने डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करना है। ये फंक्शन हमारे पास मौजूद है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। स्टार्ट करते हैं इसको और बाय डेफिनेशन सॉल्व करने के इसके फोर स्टेप्स होते हैं। मैं सपोज कर लेती हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स है इसको मैं कहती हूँ कि वाई इज इक्वल टू टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इसको मैं कहती हूँ कि ये हमारी वन इक्वेशन है, राइट। अब क्या है नंबर वन, स्टेप नंबर वन शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन में क्या करते हैं, सेम वही पैटर्न जो मैंने क्वेश्चन नंबर वन पे बताया है वही यहाँ होगा। याद हो जाएगा आपको जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, टेकिंग इंक्रीमेंट। हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट लेना है ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का क्या मीनिंग होता है, देखिए ये एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, तो दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड है ये इक्वेशन की, ये राइट साइड है, दोनों साइड पे हमने इंक्रीमेंट लेना है। हम ले लेंगे y प्लस डेल्टा y। अगर हमारे पास यहाँ y है तो आपने y लेना है, यहाँ x है तो हम उसका इंक्रीमेंट भी x पे लेंगे। और डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज, थोड़ा सा हमने इसमें चेंज कर दिया। आसान करके बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा हमने y में कुछ ऐड कर दिया है, थोड़ा चेंज कर दिया। सेम थिंग ये हमारे पास x है तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे जो कि हो जाएगा डेल्टा x, राइट। यहाँ देखिए x है तो आपने डेल्टा x लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये y जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे मौजूद है इसको हम ले जाते हैं राइट साइड पे, और राइट साइड पे जब हम इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव y हो जाएगा, राइट। इसको मैं कहती हूँ ये मेरी इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब देखिये y मैंने कहा था y इज इक्वल टू टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, इस y की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम वन इंटू टू, राइट, फ्रॉम इक्वेशन वन इंटू टू, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस। जब भी माइनस का साइन आएगा मैथ्स में आपने बहुत ज्यादा केयरफुल होना है, y का क्या हो जाएगा, टू माइनस अंडर रूट एक्स, राइट, क्योंकि ये माइनस इन दोनों की साइन चेंज कर देगा। अगर आप भूल गए ब्रैकेट लगाना तो माइनस टू हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट, और हमारा आंसर सही नहीं आएगा। यहां तक जब देखें सॉल्व कर लिया, आप इसको मेमोराइज कर लें कि हमने पहले क्या करना है, इंक्रीमेंट लेना है बोथ साइड, इंक्रीमेंट के बाद यहाँ वाला जो होगा वाई उसको आपने राइट साइड पे ले जाना है और इसकी ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमारे पास स्टेप वन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप टू पे इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस टू हो जाएगा, ये प्लस आपके पास हो जाएगा। चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेपर पे करती हूँ, इसी को कंटिन्यू करते हैं यहां से, लेकिन अब ये हो जाएगा हमारे पास स्टेप टू, राइट। स्टेप टू में क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको कि हम इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू टू और ये था स्क्वायर रूट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये माइनस टू हो जाएगा क्योंकि माइनस था, और ये माइनस स्क्वायर रूट एक्स था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव टू और ये पॉजिटिव टू आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया डेल्टा वाई इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। देखें ये आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही है, लेकिन हम मैथ्स में क्या करते हैं कि पॉजिटिव जो है उसको पहले लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव है। अगर आपने नेगेटिव को ही पहले लिखना है तो भी एरर नहीं होगी, लेकिन बस हम मैथ्स में ऐसे करते हैं कि पहले हम लिख लेते हैं जो पॉजिटिव टर्म है हमारे पास, राइट। अब क्या है, देखें डेल्टा वाई कैसे क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। देखिए न्यूमिरेटर में तो ये है, इट मींस कि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो वन है,
रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ टर्म्स लिखी हैं एग्जैक्ट आपने वो टर्म यहाँ लिखनी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ आपने इसको प्लस करना है, यहाँ अगर प्लस होगा तो आप इसको यहाँ माइनस कर देंगे। ये हमारे पास रैशनलाइज हो गया। रैशनलाइज हमने क्यों किया, इससे हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या है, देखें ये हमारे पास है सेम टू टर्म्स हैं, नेगेटिव साइन है, ये सेम टू टर्म है पॉजिटिव साइन है। यहां मैं लिख देती हूँ राइट, यहाँ छोटा करके लिखती हूँ, चले यहाँ लिखते हैं रफ वर्क में। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। एल्जेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं, ये इक्वल होता है ए प्लस बी, जो भी ए की जगह हो और बी की जगह हो, एक दफा पॉजिटिव में लिखते हैं एक दफा नेगेटिव में लिखते हैं। तो देखें ये सेम यहाँ पे बन गया। तो इसको अगर मैं कंबाइन करना चाहूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ए की जगह तो हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसका आप स्क्वायर कर दें, ये ए स्क्वायर बन गया, और बी की जगह हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इसका स्क्वायर बन गया। ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी है, इसको हमने कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख लिया, और वो इसका डिवाइडेड बाय क्या है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास सेम ही आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स राइट। अब क्या है, देखें ये इसका स्क्वायर है, और चलिए एक और मैं आपको आसान करके बताती हूँ कि अंडर रूट का क्या मीनिंग होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, एक्स जो अंडर रूट है इसका मीनिंग है 1 ओवर 2, और इसकी पावर भी 2 है, तो ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास एक्स हो जाएगा राइट। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ हमारे पास रह गया एक्स माइनस, सिमिलरली ये 2 और ये स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है, देखें बहुत ध्यान करें, ये माइनस इसको भी चेंज कर देगा, इसको भी चेंज करेगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही रहेगा। ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या रह गया, माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ये राइट। चले इसको हम आगे करते हैं, अब हमारे पास रह गया डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स राइट। ये हमारे पास रह गया। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में आपने जो भी आपके पास न्यूमिरेटर में है उसे दोनों साइड्स को डिवाइड करना होता है। तो यहां हम लिख देते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। क्यों किया, अभी मैं आपको बताती हूं क्यों हमने किया। देखिए ये हो जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे डिवाइड करना है, यहां पे भी डिवाइड किया, यहां क्या रह गया, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यहां रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया राइट, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं है न्यूमिरेटर में, माइनस वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, अपने जो न्यूमिरेटर में है उससे आपने दोनों साइड में डिवाइड करना है, वो कैंसिल हो जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंच चुके हैं फाइनल स्टेप में, यानी वो फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट कैसे अप्लाई होगी, लिमिट हम कहेंगे डेल्टा एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, दोनों साइड पे अप्लाई होगी डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाय, मैं लिमिट को ऐसे लिखती हूँ, आप पूरा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हो गया। अब जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इस पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स राइट। डेल्टा एक्स पे आपने लिमिट लगाई जीरो, तो ये कन्वर्ट हो गया डी वाई बाई डी एक्स पे। अब ये एक टर्म है, ये टर्म है, इस पे मैं आपको बताती हूँ कि हम इस पे
सेपरेट करके, क्योंकि टू टर्म्स हैं तो हम सेपरेट लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो एक दफा हम इस पे लगाएंगे, और सेम लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो अब हम किस पे लगाएंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे लगा दिया हमने, राइट. ये तो dy बाई डी एक्स हो गया, माइनस वन आपके पास एज इट इज हुआ. लिमिट हमने लगानी है डेल्टा एक्स पे. देखिए फर्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स नहीं है तो क्या होगा, बहुत इजी है कि अगर जिस टर्म में, ये हमने थ्योरम भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी मौजूद है यहाँ पे टर्म और उसमें डेल्टा एक्स नहीं है तो यह मैं आपको भी बताती हूँ, ये आपके पास एज इट इज हो जाएगा. और इस पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो देखें ये एक्स तो आपके पास एज इट इज होगा और डेल्टा एक्स पे लिमिट लग रही है जो कि जीरो है, राइट. थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास सपोज मैं कहूं कि एक्स टेंड्स टू जीरो तो यहाँ तो, और यहाँ हमारे पास x नहीं है, c है, कुछ भी हो सकता है, मैंने कांस्टेंट के लिए लिखा है तो ये c के ही इक्वल होगा. इसलिए यहाँ पे यही थ्योरम है कि डेल्टा x पे लिमिट लगानी है, यहाँ डेल्टा x नहीं है, जो मर्जी यहाँ हो वो आपने एज इट इज यहाँ लिखना है, प्लस यहाँ डेल्टा x है, यहाँ हमने जीरो लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाय, देखें ये वन है, ये वन है, तो ये 2 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो dy बाय dx हमारे पास हो गया नेगेटिव 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और यही इसका आंसर है. हमने इसकी डेरिवेटिव की विथ रिस्पेक्ट टू x, और कौन सा मेथड अप्लाई किया, बाय डेफिनेशन. बाय डेफिनेशन में 4 स्टेप्स हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. कोई क्वेश्चन है आप पूछिए. साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया.